आप सबका एक बार फिर से स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। एग्जाम्स पर एग्जाम्स, अब रिजल्ट्स की बारी और उसकी के साथ साथ थोड़ा सा तड़का कंपिटिटिव एग्जाम्स का भी। दोस्तों तैयारियां पूरे साल भर बच्चों ने की, अब फल का इंतजार है। अभी अभी नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ, जेई हुआ और अब तो आने वाले समय में ये कंपिटिटिव एग्जाम्स एक के बाद एक लगी ही रहेंगी। लेकिन इसी दरमियान में कुछ नई चीजें भी देखने को मिली। बच्चे कुछ मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो गए। मानसिक पीड़ा इसलिए कहूंगा क्योंकि ऐसा नहीं है, हम लोग को कभी कभी लगता है कि बच्चे जो हैं वो रिबेल हो जा रहे हैं, वो क्रांतिकारी हो जा रहे हैं, घर में क्रांति छेड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी इसका दर्द का अनुभव होता है और इसकी कुछ कारण भी है। कबीरदास जी अपने पीछे कुछ दोहे छोड़ गए थे जिसमें एक बहुत अहम दोहा था, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बोहरी करेगा कब। इन पंक्तियों में कहा गया था कि जो कल के लिए आप छोड़ रहे हैं उसको अगर आज ही कर लिया जाए तो बेहतर होगा, जो आज करना चाहते हो अभी करिए ना, इससे अच्छा समय क्या होगा। लेकिन समय के अंतराल ने बच्चों को एक नई सीख दे लगी कि जो आज करे सो कल करे, जो कल करे सो परसों, जल्दी भी क्या है रे भाया, जीना है तो परसों। खेली खेल में बच्चों ने टालना सीख लिया। हम लोग इससे एडजस्ट करते चले गए। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं धीमे धीमे उनकी आदतें उनके क्रांति में तब्दील हो जाती है, तब हम चिंता में पड़ जाते हैं कि उसको हम नियंत्रण में कैसे रखें। एक आदत को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य होता है और इसको हम जितना कोशिश करेंगे हम उतना ही परेशान होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ ऐसी ही बातों को चर्चा करने के लिए कि आखिर पढ़ते हुए बच्चों के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए, उसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है श्री तुषार चेतवानी जी को। ये पहले भी हमारे स्टूडियो में, हमारे कार्यक्रम में पहले भी शरीक हो चुके हैं। तुषार जी के लिए एक बार फिर से मैं बता दूं, वो एक मेमोरी ट्रेनर है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे चाइल्ड साइकोलॉजी में उनकी बहुत अच्छी समझ है। तो आज हम उनसे जानेंगे पढ़ते बच्चों की जो समस्याएं हैं, ये जो आज जो हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि जब बच्चे हमारे जूतों में पांव रख रहे हैं तब हमारा उनके प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए और उनसे हमें एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस कहां तक के रखने हैं। तो आइए बात करते हैं तुषार चेतवानी जी के साथ। तुषार जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर काउच में शुभांकर। थैंक यू सर। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है पढ़ते हुए बच्चों के लिए, द टीनेजर्स। अच्छा, टीनेजर कहते ही अगर आप माँ बाप से बात करें तो कई समस्याओं से आपको परिचित होना पड़ता है। बिल्कुल बच्चों ने घर में क्रांति छेड़ दी है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, माँ बाप जोर देते हैं, माँ बाप के दिमाग में ज़्यादा डर बैठा रहता है कि कंपिटिटिव एग्जाम्स हैं, इंटरमीडिएट भी दे रहा है बच्चा, कैसे तैयारी करेगा। लेकिन बच्चे का दिमाग कुछ और ही चल रहा होता है, डरा तो वो भी होता है लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो डर है उसके फलस्वरूप कई और उसके जो रिएक्शन है वो कुछ और देखे जाते हैं। करेक्ट। कुछ बच्चे होते हैं बड़े इरिटेटेड से नजर आते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो थोड़े दब जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल भागने ही लग जाते हैं, जिसमें से एक चीज अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोकास्टिनेट करने की। करेक्ट। कल के लिए काम को छोड़ देने की। ऐसे समस्या आने लगती है। सर समस्याएं तो कई सारी हैं, इसका जड़ कहाँ है? देखिए जब हम टीनेजर्स की बात करते हैं, टीनेजर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जब बात करता हूँ मैं कहता हूँ ये बच्चे ना बच्चे हैं ना बड़े हैं, ये बड़ों से भी बड़े हैं। दे नो एवरीथिंग उनको लगता है मुझे सब पता है। एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप बिटवीन वी एंड द पेरेंट्स, मीन्स द टीनेजर्स एंड द पेरेंट्स। तो एक तो ये गैप है, इस गैप को हमें फिल करना होगा। पेरेंट्स बीन वर्किंग, पेरेंट्स के पास टाइम कम है, मदर फादर बोथ आर वर्किंग इन नंबर ऑफ केसेस, टाइम कम है, पेरेंट्स की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं अपने बच्चे के प्रति।
पेरेंट्स के अपने टारगेट्स हैं बच्चों के प्रति, और जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसी लाइंस चूज़ कर लेते हैं जो पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से भी होती हैं। सो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, ये रूट कॉज अगर आप कहें तो, एक तो पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा, बच्चे के साथ बात करनी पड़ेगी, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगर हम लगता है कि हम 10 दिन में एक बार बच्चे के साथ बैठेंगे और 10 दिन में एक बार बैठ के हमें एकदम से हम एक जजमेंट दे देंगे कि आपको ये करना है, देन इट विल बी टू डिफ़िकल्ट फॉर द चाइल्ड। सो एक छोटी सी स्टोरी को समझ के हम अगर बात करें, एक बार एक छोटा सा बच्चा था करीब 3 साल का, उसको फादर लेके गए एक फेट में या मेले में कह लीजिए, और फादर ने कहा व्हाट ऑल कैन यू सी, भीड़ बहुत थी, तो बच्चे ने कहा रेड ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन। फादर को समझ में नहीं आया, फादर को लगा इतना सारा चीज़ है इसको सिर्फ रेड ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन दिख रहा है। तो फादर ने फिर से पूछा बेटा व्हाट ऑल कैन यू सी, रेड ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन, यही आंसर था बच्चे का। फादर को गुस्सा आया, फादर ज़मीन में झुके और उस बच्चे के पास जाके बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। और जब फादर नीचे देखे तो देखे कि इतनी भीड़ थी सर कि बच्चे को सिर्फ लोअर पोर्शन ऑफ द पीपल दिख रहा था, तो दैट इज़ व्हाट ही सेड, वो बता रहा था या। तो फादर ने उस बच्चे को उठाया, अपने कंधे में बैठाया और कहा अब क्या देख सकते हो। तो बच्चे ने कहा वो कैंडी फ्लॉस है, वो जायंट व्हील है, वो वहाँ पे शॉप लगी हुई है, वो सारी चीज़ें बच्चा बता पा रहा था। सो बच्चों को अगर अंडरस्टैंड करना है तो या तो आप बच्चों को अपने लेवल पे ले आइए या बच्चे के लेवल पे चले जाइए। सो वी रियली नीड टू एम्पथाइज फादर एंड द चाइल्ड और मे बी पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। तो एम्पथी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और वो तभी आएगी जब आप बच्चे के साथ समय स्पेंड करेंगे, दैट इज द रूट कॉज। मतलब सबसे पहली बात जो आपकी कहानी से समझ में आती है कि बच्चों के दृष्टिकोण के बराबर अपना दृष्टिकोण रखें। होता क्या है, बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा जब नीचे की तरफ होता है तो उसके जो नज़र में है उसको जो दिख रहा है वो शायद आपकी नज़र में नहीं आता। आप अपने पर्सपेक्टिव से तो अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन क्या वो बच्चे के भी पर्सपेक्टिव से सही है, ये बड़ा प्रश्न होता है। लेकिन सर एक बात जरूर है, जब बात पर्सपेक्टिव की आती है, क्या हम एक टीनेजर के पर्सपेक्टिव को वाकई तवज्जो दे सकते हैं? क्या ये नहीं है कि जो माँ बाप होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने दिन दुनिया ज़्यादा देखी होती है, तो कहीं ना कहीं ये उसको महसूस होता है कि उनका जो डिसीजन उनके बच्चे के प्रति होगा वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, वो ज़्यादा एलैबोरेटिव होगा, वो ज़्यादा एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि बच्चे को सोसाइटी की नॉलेज कुछ नहीं, बच्चा सोसाइटी उतना ही जानता है जितना अपने चारों ओर देख रहा है। बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें कुछ और भी चीज़ें देखनी होगी। आज से 20 साल पहले जो करियर थे वो आज नहीं है। आज नए करियर्स हैं, नई चीज़ें हैं, और एज अ पेरेंट मान लीजिए इफ़ आई एम अ डॉक्टर, इफ़ यू कम टू मी एंड इफ यू आस्क मी व्हाट शुड आई चूज एज अ करियर, आई विल टेल यू बिकम अ डॉक्टर। If I am a chartered accountant, I'll tell you, become a chartered accountant. Because I have limited scope, right? So, career selection के लिए parents कभी भी बच्चे के लिए गलत नहीं सोचेंगे, I am 100% convinced about it. But at the same time, हमें ये भी देखना होगा कि क्या इस 20 साल 25 साल के जो journey रही है पीछे की, उसमें क्या क्या change हुआ है और क्या हमारे बच्चे के interest के हिसाब से वो है कि नहीं है। अगर बच्चे के interest के हिसाब से वो career नहीं हुआ, Maybe he becomes a successful person, but chances are very thin. So we must understand कि जो भी बच्चा आपका करियर सिलेक्ट कर रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का दबाव नहीं होना चाहिए, उसका खुद का इंटरेस्ट। Yes, बच्चे के साथ बात करिए, और बच्चे बहुत फिकल माइंडेड होते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टीनेजर्स आज वो बोलेंगे मुझे डॉक्टर बनना है, कल बोलेंगे इंजीनियर बनना है, 3 दिन बाद बोलेंगे कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन, जब बच्चा मान लीजिए 7वीं 8वीं के बाद आपकी ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं अपने बच्चे के साथ, सो आज वो अगर बोल रहा है मुझे सीए बनना है, उसको बोलिए सीए के बारे में सारी जांच पड़ताल करो और अपने कंप्यूटर में उसको सेव करके रख दो, 3 महीने के बाद वो कहेगा कि मुझे मे बी एमबीए करना है, तो उसके बारे में पूरा आप जांच पड़ताल करके छोड़ दो, और आप देखेंगे 1 साल के अंदर कितने करियर आएंगे, कितने चले जाएंगे। एंड देन यू कैन शॉर्ट लिस्ट एंड एक्सप्लेन योर चाइल्ड, डू नॉट प्रेशराइज कि आपको यही लेना है, यू कैन जस्ट टॉक एंड डिस्कस एंड देन टेल द चाइल्ड कि इससे आपकी फेम कितना मिलेगा, आपको पैसे कितने मिलेंगे, आपकी जॉब सिक्योरिटी कैसी होगी, यही सारी चीज़ तो एज अ पेरेंट आपको चाहिए ना। सो बट इफ इट इज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड देन द सक्सेस रेट इज वेरी हाई। वेल सेड। तुषार जी, जो अगली जो
हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो प्रश्न है बच्चों की आदत को, वो टालने की आदत को लेके। सीधे पॉइंट पर आते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, करेक्ट, आगे के लिए टालना। ये जो टालने की आदत, आलस बच्चों में देखा जा रहा है, कर लेंगे पापा, हो जाएगा, देख लिया जाएगा, ठीक है, हो रहा है ना, अभी तो समय है, ये सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में बनी हुई है माँ बाप के लिए। करेक्ट। एक तरफ डर माँ बाप के दिल में, दूसरी तरफ बच्चा उसको तब तक सीरियसली नहीं ले रहा होता है जब तक एग्जामिनेशंस बिल्कुल उसके मुंह के सामने ना आए। ठीक। और कभी कभी तब तक देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। और उस समय जब बच्चा जब पछताता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तब कहीं ना कहीं महसूस होता है कि काश हम किसी और तरीके से बच्चे को कन्विंस कर पाते, क्या करना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन को क्योर करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि बच्चे के सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो पेरेंट्स का है। सही बात है, सही बात। हमारी पूरी लाइफ हम बच्चे के हिसाब से जीते हैं एज अ पेरेंट, और बचपन से ही, जिस दिन बच्चा कंसीव करती है एक लेडी, तब से लेके जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक हम उस बच्चे के हिसाब से अपनी पूरी रूटीन चेंज करते हैं। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एज अ पेरेंट आपने 500 रुपये अपने बच्चे को दिए और कहा कि जाके 3 सामान लेके आ जाओ। वो सामान लेके आता है, द फर्स्ट थिंग दैट वी आस्क इज, हिसाब बताओ कितना बचा और क्या सामान लाए। मींस वी आर कंसर्न अबाउट कि इस 500 रुपये में से 200 रुपये बचा तो वो वापस हमें मिल गया कि नहीं मिला और क्या सामान आया। बट हैव यू एवर आस्क्ड हाउ यू स्पेंड द होल डे? वी हैव नेवर डिस्कस्ड विद आवर चाइल्ड। सो मैं मानता हूँ यहाँ पे कि अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन आप ख़त्म कराना चाहते हैं अपने बच्चे के से, तो आपको क्या करना होगा। जैसे अगर मैं, मेरी बेटी अगर कोई काम टाल रही है बार बार, और मैं उसको बोलूँ कि तुम तो हमेशा टालते हो, आप कभी भी कोई काम तुरंत नहीं करते हो, सो हमारा ब्रेन ना उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद हमारा ब्रेन बार बार वही काम करता है बिकॉज अब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं तो ऐसा ही हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू बिकम इवन स्ट्रॉन्गर मेमोरी। सो कभी भी या सो नेवर से दैट यू आर अ पर्सन जो बहुत प्रोक्रास्टिनेट करता है। रादर देन उनसे कहें कि एक काम करो, लेट्स सेट टुगेदर एवरी डे फॉर 15 मिनट्स एंड लेट्स चॉक आउट कि अगले दिन तुम 23 घंटे 45 मिनट में क्या करोगे। वो बच्चे को खुद बनाने दीजिए पूरे दिन का रूटीन। उसमें बच्चा अगर 2 घंटे टीवी लिख रहा है, लिखने दीजिए। अगर उस लिख रहा है कि सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करूंगा, लिखने दीजिए। और फिर नेक्स्ट डे 15 मिनट बैठिए उस बच्चे के साथ और उससे पूछिए कि वॉट ऑल डिड यू डू। 2 घंटे के बजाय वो 3 घंटा टीवी देखा होगा और 1 घंटे पढ़ाई के बजाय वो 45 मिनट भी नहीं पढ़ाई किया होगा। सो लेट इट बी, लेट द चाइल्ड इंट्रोस्पेक्ट, लेट द चाइल्ड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे अगेन द सेम टाइम टेबल एंड लेट सी द चाइल्ड इज फॉलोइंग इट और नॉट। दिस इज सर्टेनली गोइंग टू हेल्प बिकॉज इसमें आप बच्चे को परेशान नहीं कर रहे, बच्चा अपने आप की खुद इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। और एट द सेम टाइम प्रोक्रास्टिनेशन इसीलिए होती है क्योंकि हमारे विजन, हमारे गोल्स क्लियर नहीं होते हैं। अगर हम बोलें कि सुबेरे उठ के पढ़ाई करनी है 4 बजे, अलार्म बजता है, हम बंद करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन सुबेरे 4 बजे मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, अलार्म बजता है, हम उठते हैं और खेलने चले जाते हैं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। सो द प्रॉब्लम इज कि हमारे गोल्स नहीं क्लियर हैं। चलो कल कर लेंगे, है ना, कल कर लेंगे पढ़ाई में खास तौर से। तो इसके लिए हम लोगों को बच्चों को स्पेसिफिक गोल्स बनाने होंगे कि एक दिन के बारे में, नॉट लाइक 365 डेज के बारे में, कल हमें क्या करना है। जैसे बच्चे को मालूम है कल मुझे एक मैच है हमारे 2 टीम्स के बीच में जो हमें खेलना है, स्पेसिफिक गोल। कल सुबेरे मुझे उठ के पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नो स्पेसिफिक थिंग्स। सो ये स्पेसिफिक चीज़ें हमें बात करनी है बच्चे के साथ, और बच्चे को खुद वो टाइम टेबल बनाने दीजिए। बहुत अच्छी बात की तुषार जी आपने, सही बात है कि जब हम बच्चे को अपना फीडबैक देते हैं तो देखना ये चाहिए वो फीडबैक जो हो वो पॉजिटिव हो, वो जजमेंट पे ना क्रिएट हो जाए, आप बच्चे को जजमेंट से ना भरें। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि भाई तुम में तो टालने की आदत है, तो आप उसे फीडबैक नहीं, आप अपना जजमेंट सुना रहे हैं, और उस जजमेंट को धीमे धीमे जब बच्चा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो समझ जाता है कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ और मुझे ऐसे ही रहना है। यही बात आपने सबसे बड़ी बात समझाई, और उससे अगर लड़ना है तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उसको प्रोग्रामिंग कैसे करें। करेक्ट। शाह जी, इसी मुद्दे को थोड़ा सा आगे ले जाऊं, जहां पे आपने गोल सेटिंग की बात की, वो चाहे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स हो, चाहे तो लॉन्ग टर्म गोल्स हो, एक बात होती है
लेकिन समय सीमा बहुत कम है। एक बच्चा जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई करता है उसी के साथ साथ वो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा है, उसमें वो कॉलेज भी जा रहा है, उसमें वो कोचिंग भी जा रहा है, फिर वो घर पे आता है तो उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई और थोड़ा सा पढ़ ले। एज अ माँ बाप हमें लगता है कि बच्चा जितना भी पढ़ ले उतना कम है, बच्चे को लगता है कि भाई मैंने आज भर के लिए बहुत कर लिया, उसकी खुद की एक टायर्डनेस होती है। एक चीज है सर, ये गोल सेटिंग हम लोग सोच तो लेते हैं, बहुत आसान लगता है ये कहना इधर से, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशन में भी इसका कुछ एक कुछ फॉलोअप होना चाहिए, वहाँ इंस्टीट्यूशन का भी कुछ रोल होना चाहिए? सिर्फ पेरेंट्स कहाँ तक इसको कर पाएंगे? देखिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए अगर बात करें, एक स्कूल के सिस्टम को आप समझिए, एक स्कूल का सिस्टम जो है उसमें 8 सब्जेक्ट्स बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक स्कूल 180 दिन लगभग स्कूल खुला रहता है, जिसमें एनुअल डे भी होगा, स्पोर्ट्स डे भी होगा, जिसमें असेंबली भी होगी, जिसमें बाकी सारे कार्यक्रम भी होंगे और जिसमें एग्जाम्स भी होगा। सो स्कूल्स के पास टाइम बहुत लिमिटेड है सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। सो सर्टेनली कुछ सेशंस स्कूल अगर कराएगा तो दैट विल बी आइसिंग ऑन द केक, बट अगर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट हम लोगों को बच्चे को गोल सेट करने में हेल्प करना चाहिए। गोल्स हमारे जो होते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक गोल होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। मतलब कि मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, दैट इज़ नॉट अ गोल। आपको लग रहा है कि अच्छे नंबर 99 होते हैं, आपके ब्रेन को हो सकता है लग रहा हो 70 नंबर। सो ब्रेन विल ट्यून योर बॉडी अकॉर्डिंगली। सो द ब्रेन को आपको द टारगेट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक। बच्चे को मालूम होना चाहिए कि 95 नंबर अगर लाने हैं तो 95 नंबर लाने हैं, राइट? दैट इज़ द स्पेसिफिक टारगेट, और कब लाने हैं, दैट इज नेक्स्ट एग्जाम। लेकिन उसमें इंस्टीट्यूशन का रोल कहाँ तक सीमित है? इंस्टीट्यूशन में जैसे मैंने आपका स्कूल के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। सो स्कूल हाँ, एड ऑन वर्कशॉप्स वगैरह करा दे कुछ इस तरीके के, हम लोग जैसे ट्रेनर्स को यूज़ करें, सो सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू हेल्प। कई सारे स्कूल्स करते भी हैं, जैसे इफ़ यू सी आई ऑल्सो कीप विजिटिंग टू नंबर ऑफ स्कूल्स, एंड गोल सेटिंग के ऊपर हम लोग बहुत लंबा एक एक घंटे के सेशंस लेते हैं कि कैसे गोल्स आप सेट कीजिए, गोल्स आपके रीचेबल होने चाहिए, आपको उसको विजुअलाइज कैसे करना है, बिकॉज माइंड प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू आर सेटिंग अप गोल्स। तो जब आपने माइंड प्रोग्रामिंग की बात की, अब आता हूँ मैं आपका जो कोर एरिया है। ये जो मेमोरी है, अगर सोचिए बच्चों को अगर उसकी याददाश्त ही मजबूत हो जाए, बच्चे को जाते जैसे ऐसे एग्जाम पास आता है उसको लगता है काश कुछ मेरे पास सुपर मेमोरी होता और मैं सब कुछ क्विकली मैं याद कर पाता और तुरंत ले आता, क्योंकि आप एक मेमोरी एक्सपर्ट हैं, तो आप बच्चों को इसमें कितना मदद कर सकते हैं, वो अपनी मेमोरी कैसे स्ट्रॉन्ग कर लें, समय से वो याद कैसे आ जाए? याद तो रहता है, बस समय पर याद आना जरूरी है। करेक्ट। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। मेमोरी की अगर बात करें तो मेमोरी में कुछ खास है नहीं। हमें अगर पता चल जाए कोई भी चीज़ याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कैसे किसी चीज़ को हम देर तक याद रखेंगे और कैसे हम उसको सही समय पर याद लाएंगे, और कैसे हम अगर मेरे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसको डिलीट कैसे कर दूँ, राइट? दैट इज़ टू मेंटेन द राइट बैलेंस। लर्निंग एंड अनलर्निंग की बात कर रहे हैं। सो बिकॉज कई बार ऐसा होता है एक नया टॉपिक हम पढ़ने लगे और समथिंग सिमिलर दैट वी हैव स्टार्टेड फ्यू डेज बैक इज एक्चुअली वो आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता है या डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो मैकेनिज्म है हमारे अंदर, इसको आप कैसे करके कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यू आर सेइंग डिलीटिंग अ पार्ट ऑफ मेमोरी। इसको डिलीटिंग नहीं कहेंगे, इसको रादर ओवरलैपिंग कहेंगे। कोई भी मेमोरी डिलीट नहीं होती हमारे दिमाग से, बट हाँ ओवरलैप हो सकती है। इसको हम लोग NLP के थ्रू करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं। या सो जैसे व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक शॉर्ट में एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मे बी आई हैव अ फ्रेंड, बड़ी अच्छी दोस्त है हमारी, एंड शी लेफ्ट मी एंड वेंट विद समवन एल्स, एंड इफ आई से आई वॉन्ट टू फॉरगेट हर, आई जस्ट वॉन्ट टू फॉरगेट हर, what I'm doing, I'm revising, making it an even more stronger memory, right? But the moment if I have another friend, and that friend is now replaced by another friend, so now I'll start forgetting her.
So that is how overlap of memory happens, right? So in it, वो आप उसको उस लैंग्वेज में ले सकते हैं, बट ओवरलैप हो सकती है मेमोरी आपकी, डिलीट नहीं हो सकती है. सो अच्छा, टीनेजर्स को भी बाय द वे ये प्रॉब्लम बहुत रहती है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है, वो जो यंग एज की जो थोड़ी बहुत जो आपस में चुटपुट नोकझोंक वाले जो रिलेशन थी, इससे शुरुआत हो जाती है. करेक्ट. तो जी, सो मेमोरी ओवरलैप हो सकती है, मेमोरी डिलीट नहीं हो सकती कोई, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, वो बोलते हैं ना कि 70 साल की उम्र हो गई है, मुझे चीज़ें याद नहीं होती हैं, लेकिन 20 साल 25 साल पहले की चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अभी भी याद हैं, राइट. सो मतलब इसका मतलब मेमोरी डिलीट नहीं होती है, राइट, इट इज़ देयर ऑलवेज. सो देखिए, बच्चों को मैं क्या टिप्स दूंगा, मान लीजिए आपको एक लॉन्ग थ्योरी याद करना है, कोई लॉन्ग आंसर याद करना है, कुछ भी याद करना है, तो कई सारे मेथड्स हैं उसके. मैं आपको कुछ सिंपल मेथड्स बता के जाऊंगा ताकि आप उसको दिमाग में रख पाएं और उसको यूज़ कर पाएं. मान लीजिए आपके पॉइंट्स हैं, एक आंसर है जिसके 10 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और मे बी एनी अदर थिंग. आपको अगर ये 10 पॉइंट्स याद आ जाते हैं तो आप उसके अंदर की चीज़ें लिख लेते हैं, दैट इज़ हाउ ब्रेन इज़ डिज़ाइंड, राइट. तो आपको क्या करना है, ये मैं एक्रोनिम मेथड, जो सबसे ईजी मेथड बता रहा हूँ, हर पॉइंट के पहले लेटर को आप अंडरलाइन करिए और एक वर्ड फॉर्म कर लीजिए. जैसे कि आपने विबग्योर याद किया है तो आपको कलर सारे याद हैं रेनबो के, या मान लीजिए प्लैनेट के सीक्वेंस याद करना है तो आप रटते हैं, इससे अच्छा आप याद कर लीजिए माय वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस, तो आपको मर्करी वीनस सब आपको ऐसे करके याद हो जाएगा सीक्वेंस में. सो वैसे ही इसका एक्रोनिम बना लीजिए और रिलेट कर दीजिए उस आंसर से, दैट इज वन. सेकेंडली, आपने देखा होगा आप लोगों को गाने बड़े अच्छे से याद हो जाते हैं, बट दो लाइन की डेफिनेशंस याद नहीं होती. आप एक प्री स्कूल में चले जाइए, वहाँ पे एक नर्सरी का बच्चा आपको 200 राइम सुना देगा 25-25 लाइंस की बड़े आराम से, बट एक 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसको बोले मैटर की डेफिनेशन सुना दो, तो मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, याद करने में उसको काफ़ी समय लग जाएगा. सो वेयर इज द प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्रॉब्लम इज दैट वी आर यूजिंग द रॉन्ग मेथड. आप एज अ स्टूडेंट रटने की कोशिश करते हैं, बार बार बोलते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं. हमारा जो न्यूमोनिक्स जो मेथड जिस पे स्पेशलाइज करता हूँ, उसमें सबसे पहला जो मेथड है दैट इज राइम मेथड. कोई भी चीज़ हम जब याद करते हैं एक धुन में तो हमें वो याद रह जाती है. तो एक काम करिए, आज कोई आंसर आपका है जो आपको याद करना है, मे बी 10 लाइन का आंसर है, अपना मोबाइल उठाइए, ऑडियो आपके पास है, एक जो आपको पसंदीदा गाना हो उसकी धुन में उसको गा दीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए. एक बार सुन लीजिए, दो बार सुन लीजिए, तीसरी बार आपको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आंसर आपके दिमाग में एकदम बस चुका होगा और 100% तरीके से. अच्छा, नेक्स्ट टाइम मतलब आप कह रहे हैं कि आंसर का गाना बना के उसको गा लिया जाए, या और वो अपने आप, और मजे की बात है जब आप एग्जाम दे रहे हो और जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो मजे की बात है कि आप गाना गा रहे हो, आपको स्ट्रेस भी नहीं हो रहा होगा और बड़े आराम से आपको आंसर याद आ रहा होगा. जैसे आप देखते होंगे जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो जब आप देखेंगे श्लोकाज रिसाइट कर रहे होते हैं, एक धुन होती है, या तो एक सुर में होती है, अगर उनको बीच में से रोक दिया जाए और कहा जाए अब सीधे होके बता दीजिए बगैर धुन के, तो वो नहीं बता पाएंगे, बिकॉज दे हैव टू मूव लाइक दैट ओनली. सो बड़े बड़े आंसर्स, बड़े बड़े चीज़ें आप धुन के थ्रू याद कर सकते हैं. एक और बड़ा मज़ेदार टेक्निक आपको बताता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ रिप्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर. जैसे ये काम करता है हिस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि जो हिस्ट्री अगर बच्चे याद कर रहे हो तो अकबर के बारे में याद करना है, बाबर के बारे में याद करना है, हुमायूं के बारे में याद करना है, शेरशाह सूरी के बारे में याद करना है, और एट द सेम टाइम अगर मैं कह दूँ कि एक और कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन, उसके बारे में याद करना है, तो सबसे ज़्यादा आसान किसके बारे में होगा, अमिताभ बच्चन, बिकॉज वी नो दैट पर्सन, राइट, वी नो दैट पर्सन. वेन वी नो दैट पर्सन, बल्कि अकबर से ज़्यादा काम जो किया हुआ है वो अमिताभ बच्चन ने किया हुआ है, तो मैं कितनी इन्फॉर्मेशन अमिताभ बच्चन के बारे में आपको याद करनी होगी. बट यहाँ पे क्या है कि अकबर हमने देखा नहीं, इसीलिए हमें याद करने में बड़ी मुश्किल होती है. तो व्हाट डू वी डू, हम क्या कहते हैं, मान लीजिए बाबर के बारे में याद करना है, तो आस्क योरसेल्फ, बाबर से मिलता जुलता कोई है क्या आपकी लाइफ में, बाबर बार्बर, बार्बर माय बार्बर, ऑल्दो मेरा बार्बर तो बहुत कम मैं देखता हूँ, आप लोग जाते होंगे ज़्यादा, सो बट स्टिल बार्बर, वेन एवर यू आर मेमोराइजिंग समथिंग रिलेटेड टू बार्बर, ट्राई टू विजुअलाइज दैट योर बार्बर जिससे आप बाल कटाने जाते हैं समथिंग लाइक दिस ही इज डूइंग, एंड बिलीव मी यू हैव अ मेंटल मूवी, एंड वेन एवर यू गो फॉर अ हेयर कट यू विल बी एबल टू एक्चुअली मेमोराइज और रिवाइज व्हाट द बाबर एक्चुअली हैज डन. और मे बी इन अकबर, अकबर में मुझे याद करना होगा, मैं जोधा अकबर मूवी में मैंने अकबर ऋतिक रोशन इज देयर, तो आई रिप्लेस इट विद अकबर.
टीपू सुल्तान मुझे याद करना होगा, तो सुल्तान मूवी में सलमान खान वाज सुल्तान, तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। एंड देन व्हेनेवर आई एम मेमोराइजिंग समथिंग रिलेटेड टू टीपू सुल्तान, यहां पे कि एक पिक्चराइज करें और किसी ऐसे कैरेक्टर से पिक्चराइज करें जिससे आप ज्यादा फैमिलियर हो, यस, और फिर आप उसके प्रति आप उसको ऐड करते, मतलब याद करते हुए विजुअलाइज उसको करिए। ओके, तो इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग। यस यस यस। सर एक और चीज है, मैंने कुछ जगह पे मैंने एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं जिसको कहते हैं वो जो नंबर्स को जो लोग याद करते हैं, किसी ने टेलीफोन नंबर बताओ, 10 टेलीफोन नंबर एक साथ याद कर जाते हैं, या तुषार जी चलिए ये बात कैरेक्टर्स की हो गई, हम लोग कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, बात तो सही है। अब बात करते हैं न्यूमेरिक्स की। मैंने कुछ शोज देखे हैं, बाकायदा टीवी शोज में दिखाया जाता था, जिसको लेके आजकल तो फेसबुक खोलिए तो ऐसे कई प्रोग्राम्स आजकल ऑफर्स में आ जाते हैं, 299 भरिए और आप ये सीख लीजिए वो सीख लीजिए, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने का एक प्रोग्राम सामने आ जाता है, और उसमें दिखाते हैं कि कई फोन नंबर्स बोले जाते हैं और उस एक्टिव शो में सब लोग उसको पटापट याद कर लेते हैं। अगर आप नंबर को नंबर से ही सिर्फ याद करें तो चार नंबर से ज्यादा हम एक बार में याद नहीं कर पाते, दैट इज तभी आप अगर अपना मान लीजिए क्रेडिट कार्ड उठा लें या आप बैंक अकाउंट नंबर देखिए तो हर चार के बाद गैप होता है, 5523650000749098 ऐसे करके होता है, या मैं अपना ही बता रहा हूँ, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ ना, सो गैप में होता है, तो आप चार नंबर ज़्यादा जैसे ही आते हैं तो हमारे दिमाग से निकलने लगता है चीज़ें, दैट इज़ हाउ इट इज़। तो बट उसको परमानेंटली मेमोराइज करने के लिए एक मेथड होता है जिसको फोनेटिक मेथड बोलते हैं, जिसके थ्रू आप बड़े बड़े नंबर्स बड़े आसान से याद कर सकते हैं। सो लेट मी गिव यू डेमो ओवर हियर, सो कैन आई आस्क यू योर डेट ऑफ बर्थ? 20th October 1978. Do you know that you were born on a Friday? No, it was Tuesday. 20th of October 1978 is a Friday. Okay. You can just check, ma'am is here. You can just check. Friday. So that is how your brain works. Okay. You know, you can go so fast. You can go so fast and. So how did you? Is it a calculation something? Yeah, these are simple calculations, simple method. Okay. And you're not going to reveal it over here. It'll be a time-taking process for the students. But it is very simple. It's a 400 years calendar that I've memorized. Or 400 years calendar you have memorized? Yeah, yeah. Not only me, but all my students know it. Okay. They are all walking calendars. So, it's numbers are very simple to memorize, yeah. Okay. So, like you said, just have to bataya ki आपने 400 साल का कैलेंडर आपने पूरा रट लिया। हम लोग चार नंबर याद करने में हम लोग को दिक्कत होती है, जो बच्चे फॉर्मूला और ये मैथ्स को लेकर करते हैं उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं स्टेप्स लर्न करने में, उन स्टेप्स को वो कैसे करके लर्न कर सकते हैं, कैसे करके, क्या उसमें भी कुछ सिस्टम ऐसा ही कुछ हो सकता है जिसको वो आसानी से प्रोड्यूस कर सके? देखिए फॉर्मूलेज याद करने में मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू फॉर्मूलेज याद करना विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मेमोरी टेक्निक्स आपको हेल्प कर सकती है सर्टेनली फॉर्मूलेज के बीच में कन्फ्यूजन्स में, जैसे कि साइन थीटा था या कॉस थीटा था, कॉस था या सेक था, उसमें आपको सर्टेनली हेल्प कर सकती है। तो हम कैसे करते हैं, हाउ डू वी रिलेटेड? देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अनगिनत फॉर्मूले हो सकते हैं, अनगिनत डेरिवेशंस हो सकती हैं, बट रिलेशनशिप कुछ ही हैं। तो मैं अगर मुझे याद करना है तो मैं इमेजेस लूंगा हमेशा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नंबर्स याद नहीं कर पाता बट इमेजेस बहुत तेज़ी से याद करता है, दैट इज़ हाउ आवर ब्रेन इज डिज़ाइन। सो मैं क्या करूँगा, साइन मेरे लिए इज़ सुष्मिता सेन, कॉस इज़ मेरे लिए कॉस्को की बॉल, टैन इज़ मेरे लिए टंकी, सेक इज सेक्रेटरी, माई सेक्रेटरी, कोसेक इज़ कॉस्मेटिक, ऐसे करके मैंने उसके रिलेशनशिप्स कर दिए हैं, और जब मैं मेमोराइज करूँगा तो मैं उन दोनों के आपस में रिलेशनशिप्स करके रिलेट कर दूंगा। बड़ा सिंपल होता है ये, मेरी किताब में मैंने सारे दिए हुए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में भी मैंने कई सारे सेशंस इसमें डाले हुए हैं, सो किड्स कैन सर्टेनली टेक हेल्प फ्रॉम देयर। सर ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने सेक को सुष्मिता सेन से जोड़ लिया, कॉस्को कॉस्को के बॉल से जोड़ दिया, तो आपने एक तरीके से फिर से आपने पिक्चराइज पिक्चर के आपने फिर फॉर्मेट में ले लिया, ये बहुत एक अच्छा आइडिया है। सर ये समझना ये बताना तो बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी अब तक वही पुराने थ्योरी से ऐड करके आया, क्या वो फिर से एक नया सिस्टम मेमोरी का डेवलप कर सकता है? देखिए कभी तो करना ही पड़ेगा,
अच्छा कभी तो करना ही पड़ेगा। इस उम्र में मैं कर सकता हूँ? चलिए मैं ऐसे 100% कर सकते हैं, बिकॉज मैंने मेमोरी टेक्निक्स सीखी 2007 में। अच्छा। और 2008 में मैंने मेमोरी टेक्निक्स स्टार्ट किया बच्चों को पढ़ाना, और 2009 में ही मुझे बेस्ट मेमोरी ट्रेनर का अवार्ड भी मिल गया। सो मतलब एक साल की ट्रेनिंग, उस एक साल का ट्रेनिंग भी नहीं कहूँगा, सिर्फ 4 दिन का मैंने ट्रेनिंग लिया था, एंड उसके बाद कई सारी किताबें पढ़ी मैंने, एंड देन कुछ अच्छे अच्छे ऑथर्स की पढ़ी, एंड देन आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट स्टडीज, एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करना शुरू किया। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप तो मुझसे बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज एज अ मैं अगर कहूँ कि मैंने बड़े सारे न्यूज़ चैनल्स में देखा है एंकर्स को, लोगों को वो करते हुए, जिनके पास बड़ी सारी स्क्रिप्ट होती है, और मैं आपके साथ तीसरी बार मिल रहा हूँ और मैंने आपके हाथ में कभी स्क्रिप्ट नहीं देखी है, तो यू ऑलरेडी हैव अ ब्यूटिफुल मेमोरी, सो 100% यू कैन डू मच बेटर देन एनी मेमोरी ट्रेनर। राइट। सर, कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड, अब बात करते हैं जो सबसे अहम चीज है, वो है ध्यान, कंसंट्रेशन। कि पढ़ाई में ध्यान लगे तो लगे कैसे? और सच बात बताऊं तो पढ़ाई में नहीं, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हैं उसमें हम कितना ध्यान लगाते हैं उसमें हमारी भी सक्सेस बहुत ज्यादा निर्भर करती है। देखिए, स्टूडेंट्स की अगर बात करें, जब वो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है तो वो कुछ ऐसे कर रहा होता है, घंटी बजी तो कौन आया होगा, फोन बजा तो किसका होगा, नीचे से आवाज आई तो कौन खेल रहा होगा, या वी कीप नो मूविंग हियर एंड देयर। बट यही बच्चा जब टेलीविजन देख रहा होता है तब पीछे उसका नाम भी आवाज लिया जाता है तो भी उसको सुनाई नहीं देता है। सो मीन्स कॉन्सेंट्रेशन उसका टीवी में बहुत जबरदस्त है बट उसका पढ़ाई में नहीं है। तो मतलब प्रॉब्लम बच्चे की कंसंट्रेशन में नहीं है, प्रॉब्लम है द कंटेंट दैट ही स्टडी। सो जब आप मेमोरी टेक्निक्स को यूज करते हैं, जो मैंने बताया आपको, जैसे इमेजिनेशन के थ्रू अगर आप पिक्चर मेमोरीज के थ्रू यूज कर रहे हैं, या एक्रोनिम मेथड यूज कर रहे हैं, या आप चीजों को आसान बनाने वाले मेथड यूज कर रहे होते हैं, तो बिलीव मी, आपको एक घंटे का अगर आपका ड्यूरेशन आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन पूरा नहीं रह पा रहा एक घंटे, आप दो दो तीन तीन घंटे बैठ जाएंगे और आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं हटेगा, और इवन आपको अगर पीछे से बुलाया जाएगा तो आपको आवाज़ भी नहीं आएगी। सो दैट इज़ हाउ योर कंसंट्रेशन कैन बी। और अगर फिर भी अगर आपका नहीं आता है तो देर आर सर्टन एक्सरसाइजेज जिसको आप कर सकते हैं। वॉट यू नीड टू डू, एक छोटा सा एक्सरसाइज बताता हूँ, नॉन डोमिनेंट हैंड हमारा जो होता है, इफ़ यू आर राइट हैंडेड देन योर नॉन डोमिनेंट इज लेफ्ट, एंड लेफ्ट हैंडेड है तो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड क्या हो गया, राइट हैंडेड। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे काम जो नॉर्मल रूटीन में आप अपने मेन हैंड से कर रहे हैं, आप उसको उल्टे हाथ से करिए। जैसे एक दिन करके देखिए, ब्रश आप करते हैं राइट हैंड से, एक दिन लेफ्ट हैंड से करके देखिए। आप मान लीजिए टैप राइट हैंड से खोलते हैं, एक दिन लेफ्ट हैंड से खोल के देखिए। आप 4 लाइन राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड से लिख के देखिए। ये सारे जब आप करते हैं ना, तो हमारे जो भी इनएक्टिव सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, वो एक्टिवेट होने लगते हैं, और जिसके थ्रू हमारी मेमोरी भी बेटर होती है, हमारा कंसंट्रेशन स्पैन भी बढ़ता है। तो दिस इज वन, जैसे कि साइंस में हम लोग पढ़ते हैं जो राइट हैंडेड होता है लेफ्ट साइड का ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, जो लेफ्ट हैंडेड होता है राइट साइड का ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन अगर हम दोनों हाथों को जो एम्बिडेक्स्चर होते हैं तो उनका ब्रेन का जो यूटिलिटी है वो ज्यादा होता है। तो आप पुश कर रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन, ओके, सो राइट बैलेंस के लिए, हां दैट्स अ वेरी गुड आईडिया। बेसिकली ये मैंने अभी मैंने महसूस किया, जब मेरा हाथ, मेरा लिगामेंट रप्चर हुआ और मेरा ये हाथ यूज नहीं हो पा रहा, तो मैं लेफ्ट से कुछ करने की कोशिश कर रहा था, शुरू शुरू में दिक्कत जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि अब जब मेरा राइट हैंड ठीक भी हुआ तो ऑटोमेटिकली मैं लेफ्ट से भी कर ले रहा हूँ, मुझे वो दिक्कत नहीं आ रही है। मैं फेस अगर वॉश करना चाहता हूँ, आई कैन यूज माई लेफ्ट हैंड। वाओ तुषार जी, आपसे जब भी मिलता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कितनी खूबसूरती से और आसानी से खेलते कूदते आपने इन तरीकों को बच्चों के लिए बहुत आसान बना दिया। याददाश्त, न टालने की प्रक्रिया, ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ये आपके लिए जो सफलता की जो सीढ़ियां हैं उसको अप्रोचेबल बना देता है। आप किसी ऊंची इमारत में अगर ऊंची ऊंची सीढ़ी से अगर चढ़ते हैं थक जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर छोटे छोटे कदम होते हैं, छोटे कदम बढ़ाने पड़ते हैं, तो आपको उतनी थकान नहीं होती, बताने का अंदाजा। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि तुषार जी का उससे उनका अभी तक मैंने किसी को सुना नहीं। तो तुषार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपने इतनी सारी बातें इतनी खूबसूरती से हमारे बच्चों को सिखाई। तो ये थे तुषार चेतवानी जी, और हम बात कर रहे थे याददाश्त के ऊपर, किस तरीके से बच्चों से डील किया जाए। अब
हमारे कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि करियर काउच अपनी तरफ से इस समर वेकेशन में डिजाइन कर रहा है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए चलते हैं शुमल के पास। हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब सही हैं और आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा गया। सबसे पहले तो ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस सारे अचीवर्स को, आपके 10th एंड 12th के मार्क्स आ गए हैं और अब है नेक्स्ट फ्यूचर करियर की बारी। तो कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? हमारी यही प्रयास है कि हम इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आपका डेवलपमेंट हो वो आपके सामने लाए और आपको एक अच्छी करियर सामने से दिख पाए। तो स्टूडेंट्स, ज़रूर हमें कांटेक्ट करिएगा अगर आपको तुषार सर से रिलेटेड, तुषार सर के मेमोरी रिलेटेड सेशंस आपको अटेंड करना है, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और हम जल्द ही ला रहे हैं समर कोर्सेज जिसमें तुषार सर के मेमोरी कोर्सेज, मेमोरी बूस्टर कोर्सेज ज़रूर रहेगा और इसी के साथ साथ कलिनरी कोर्सेज, क्योंकि आप जैसे बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको बेकिंग एंड कुकिंग का शौक है, तो हमारे साथ ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे टाई अप किए हुए ऐसे सेंटर्स जहाँ पे आपको ये कोर्सेज मिलेगा। हाँ, इसी के साथ साथ मीडिया कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, तुषार सर के मेमोरी बूस्टर समर कोर्स के साथ ही हम अनाउंस कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स कलिनरी एंड होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है, तो हमारे साथ ऑलरेडी टाई अप हो गया ऐसे सेंटर्स का जहाँ पे आप कुकिंग एंड बेकिंग के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज ज़रूर अवेल कर सकते हैं। हाँ जी, और इसी के साथ जो टेक सेवी स्टूडेंट्स हैं जिनको AI और चैट GPT से रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज चाहिए, तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है। एंड इसी के साथ साथ डिज़ाइनिंग कोर्सेज भी हमारे पास है जिसमें कि डिज़ाइन, फैशन एंड इंटीरियर से रिलेटेड सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए देखना मत भूलिएगा करियर काज विद शुभांकर और हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे ज़रूर हमसे संपर्क करें और हमसे पूछिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन और चाहिए। हम उसी के मुताबिक अपना नेक्स्ट करियर, नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर प्लान करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखना मत भूलिएगा करियर काज विद शुभांकर ओनली ऑन प्राइम TV एवरी संडे 9 PM। तब तक स्टे हैप्पी and keep smiling. Take care. Bye-bye.